कांग्रेस ने 10 नामों का किया ऐलान, नए चेहरों पर कांग्रेस ने चला दांव। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों की घोषणा की है। बता दें कि कांग्रेस ने जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है उनमें राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन, अजय माकन, जयराम रमेश, विवेक तंखा, पी चिदम्बरम, इमरान प्रतापगढ़ी, मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी शामिल हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद पार्टी की मुश्किलें लगातार खड़ी हो रही हैं। कांग्रेस के नेता ही अब पार्टी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में कलह बढ़ गई है। खास तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी के नाम पर विरोध तेज हो रहा है। पवन खेड़ा और नगमा के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन पर अपनी पार्टी पर ही कटाक्ष किया। मनीष तिवारी ने कहा कि उच्च सदन एक पार्किंग स्थल बन गया है। यूपी से आने वाले कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी के नाम पर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजने की घोषणा की है। वहीं अब नाराज नेताओं की लिस्ट और लंबी होती जा रही है। महाराष्ट्र के काटोल से पूर्व विधायक आशीष राव देशमुख ने प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में काम करते रहेंगे। इससे पहले पवन खेड़ा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व अभिनेत्री नगमा ने लिखा कि हमारी 18 साल की तपस्या भी इमरान भाई के सामने कम रह गई। उन्होंने लिखा कि हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप से मुझे 2003-2004 में राज्यसभा में भेजने के लिए आश्वासन दिया था जब मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी। उस समय हम सत्ता में नहीं थे, तब से 18 वर्ष हो गए। इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से राज्यसभा की उम्मीदवारी पा सकते हैं। मैं पूछ रही हूं क्या मैं कम योग्य हूं।